नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शहद यानी हनी के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, शहद का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता है और शहद के बारे में आयुर्वेद में भी प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से बनाया गया एक तरल पदार्थ है। इसे मधुमक्खियों द्वारा कई चरणों में काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार किया जाता है। आयुर्वेद में शहद को एक औषधि का दर्जा हासिल है और अब पूरी दुनिया में लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में शहद पर हुए कई वैज्ञानिक शोध आयुर्वेद में बताएं इसके गुणों की पुष्टि करते हैं। शहद का उपयोग आप किसी भी रूप में करें, यह आपकी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद है। बस इसके इस्तेमाल से पहले यह जरूर जांच लें कि उपयोग में लाया जाने वाला शहद असली है या मिलावटी, क्योंकि मिलावटी शहद खाने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं। शहद की क्वालिटी को लेकर लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असली शहद काफ़ी गाढ़ा होता है और पानी में डालने पर यह जल्दी नहीं घुलता बल्कि तली में जाकर जम जाता है, जबकि नकली शहद पानी में जल्दी घुल जाता है। शहद जड़ी पोषक तत्वों, खनिजों, विटामिनों का भंडार है। शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन सी और अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। एक चम्मच शहद में 64 कैलोरी और 17 ग्राम शुगर होता है। शहद में फैट, फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है। शहद के फायदों को देखते हुए आयुर्वेद में इसे अमृत समान माना गया। छोटे बच्चों से लेकर वयस्कों तक शहद सभी के लिए उतने ही फायदेमंद है। नियमित रूप से शहद खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। आइए शहद के पूर्व प्रमुख फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। खांसी से आराम। अगर आपकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है तो आप शहद का इस्तेमाल करिए। खांसी को आराम दिलाने के लिए असरदार घरेलू दवा शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण को बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही यह कफ को पतला करती है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकलता है और खासतौर पर जो लोग सूखी खांसी से परेशान, उन्हें शहद से जल्दी आराम मिलता है। सेवन की विधि। खांसी से आराम पाने के लिए आप दो तरीकों से शहद का सेवन कर सकते हैं। पहला तरीका, रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पिए। यह बलगम को पतला करके साथ साथ खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। अदरक को शहद से तैयार पिए भी खांसी से आराम दिलाने में कारगर है। कटने या जलने पर, त्वचा के कटने, छिलने या जलने पर भी शहद का उपयोग करना बहुत लाभकारी है। शहद में मौजूद एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं, त्वचा को संक्रमण से भी बचाते हैं। वजन करने में सपोर्ट करता है। अगर आप बढ़ते वजन या मोटापे से परेशान हैं तो सेहत के सेवन से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहद में वसा बिल्कुल भी नहीं होता। यह वजन को नियंत्रित करने के साथ साथ शरीर को कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं, इसलिए नियमित रूप से शहद का सेवन आप सभी को जरूर करना चाहिए। सेवन की विधि। रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इसे पीने से आधे से एक घंटे तक कुछ भी ना खाएं। आप इस मिश्रण से आधे नींबू का भी रस भी मिला सकते हैं। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में शहद काफ़ी फायदेमंद होता है। शहद में जरूरी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और दिल से जुड़ी कई बीमारियों से बचाव करते हैं। इसके अलावा शहद का मुख्य काम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और इम्यूनिटी पावर को मजबूत होने से कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। सेवन की विधि। शरीर की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना ये क्या दो चम्मच शहद को हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर पिए। दूध में शहद डालकर पीने से ये और ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। कब्ज से राहत। अगर आप कब्ज के मरीज हैं तो समझ लीजिए आप कई बीमारी को न्योता दे रहे हैं। पेट से जुड़ी कई समस्याओं के मुँह जड़ कब्ज, ये शहद शरीर में फ्रक्टोज के अवशोष को कम करती है और इस वजह से आप इसका उपयोग कब्ज को दूर करने में भी कर सकते हैं। कब्ज से आराम दिलाने के अलावा यह पेट फूलने और गैस की समस्या से भी आपको आराम दिलाती है। सेवन की विधि। कब्ज से आराम पाने के लिए रोजाना रात में सोने से पहले एक गिलास हल्के गुनगुने दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करें। त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। शहद के फायदे सिर्फ पाचन तंत्र और इम्यूनिटी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि त्वचा में निखार लाने में मदद करते हैं। शहद में ऐसे गुण होते हैं जो आसपास की नमी को सोख लेती है, त्वचा की नमी को बरकरार रखने में मदद करती है। जिन लोगों को त्वचा सूखी है उन्हें अपनी त्वचा को नम बनाए रखने के लिए शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि त्वचा में निखार लाने के लिए इसे खाने के बजाय इसे त्वचा पर लगाएं। त्वचा के लिए आप कई तरीके से शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम उपयोग की कुछ प्रमुख विधियाँ आपको बता रहे हैं। उपयोग
रूखी त्वचा वाले के लिए एक चम्मच शहद ले और इसे त्वचा के रूखे हिस्से पर लगाएं। 10 से 15 मिनट तक इसे सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। एक हफ्ते में कम से कम 3 बार उपयोग करें। निखार के लिए, चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए आप शहद तैयार फेस पैक का इस्तेमाल करें। आमतौर पर शहद और नींबू शहद और दूध शहद और केला या शहद और योगर्ट के तैयार फेस पैक ज़्यादा फायदेमंद होते हैं।